किसान भाइयों, अगर आप रबी सीजन में मक्का लगाने के बारे में सोच रहे हो और नवंबर से दिसंबर 15 तारीख के बीच आपको मक्का की बुआई करना है, तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मक्का की तीन ऐसे वैरायटी के बारे में जो कि नवंबर से दिसंबर के महीने में अगर बुआई करते हो तो आपको आगे जाके एक जबरदस्त पैदावार निकाल देने में सक्षम हो। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको एक सही और सटीक जानकारी मिल पाए। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रणव फिर से आपके अपने चैनल पीएम फार्मिंग में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं कुशल मंगल से होंगे। किसान भाइयों, अगर रवि सीजन में आपको मक्का लगाना है और नवंबर से दिसंबर 15 तारीख तक बुआई करना है, तो सबसे पहले मक्का जो आता है श्रीकर कंपनी का 9459, ये जो मक्का है जबरदस्त पैदावार निकाल के देने में सक्षम है। किसान भाइयों, अगर बात करें श्रीकर जो 9459 जो मक्का है उसकी बुआई कैसे करें, तो बुआई प्रति एकड़ 4 से 5 kg बीज की बुआई करनी चाहिए और बीज से बीज की जो दूरी है वो 10 इंच होना चाहिए और कतार से कतार की दूरी 24 इंच होना चाहिए, तभी जाके आपको आगे जाके एक जबरदस्त पैदावार निकाल के देने में सक्षम होगी। किसान भाइयों, अगर मैं उत्पादन की बात करें तो श्रीकर 9459 पर पैकेट 25 से 30 क्विंटल के बीज उत्पादन देने में सक्षम है। और सेकंड नंबर किसान भाइयों जो वैरायटी है वो DKC कंपनी का 9165 मक्का है, ये भी शानदार पैदावार निकाल के देती है। किसान भाइयों, ये जो पिछले साल DKC 9165 है किसान भाइयों को जबरदस्त पैदावार निकाल के दिया था, इसलिए किसान भाइयों आज इस साल भी आप DKC 9165 का चुनाव कर सकते हैं। अगर बात करें बीज की दर की, तो प्रति एकड़ आपको 5 से 6 kg बीज की बुआई करनी चाहिए, तभी जाके आपको आगे जाके एक जबरदस्त पैदावार निकाल के देगी। भाई अगर बात करें DKC 9165 की उत्पादन के बारे में, तो प्रति पैकेट आपको 30 क्विंटल तक उत्पादन देने में सक्षम है। बात करें तीसरा नंबर वैरायटी की सिजेंटा कंपनी की NK30+ जो मक्का है वो बहुत ही जबरदस्त मक्का है और कम पानी में अधिक उत्पादन देने में सक्षम है। और सिजेंटा NK30+ जो मक्का है ये ठंड के प्रति अनुकूलित भी है और आपको प्रति पैकेट अगर उत्पादन की बात करें 30 से 35 क्विंटल तक उत्पादन देने में सक्षम है। किसान भाइयों, अगर बात करते हैं इसकी बुआई के समय बीज की जो मात्रा है 4 से 6 kg की बीज आपको प्रति एकड़ बुआई करनी चाहिए, तभी जाके आपको आगे जाके एक जबरदस्त पैदावार निकाल के देगी। किसान भाइयों, आशा करता हूँ आपको एक सही और सटीक जानकारी दे पाया हूँ। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।